अनुज कुमार। अनुज कुमार कहाँ से? यूपी कानपुर देहात। यूपी कानपुर से आप, देहात से। तो कानपुर से यहाँ क्यों हैदराबाद? सर हमको मतलब इस फील्ड में 10 साल हो गए। अच्छा, तो अपडेट होने के लिए टच काम और डिस्प्ले ये तो नॉर्मल आजकल सभी लोग कर लेते हैं। हाँ, सभी कर लेते हैं। आईसी लेवल काम हो गया, एमएमसी हो गया, सॉफ्टवेयर का जो मार्केट में चल रहा है उसको अपडेट होने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ। अगर अपडेट नहीं हो रहे तो मार्केट में बहुत पीछे जा रहे थे। वो तो है ही, जो भी हमारा कस्टमर बना हुआ है फोन हमसे अगर नहीं हो रहा है तो हमारा कस्टमर वापस जा रहा है। अगर किसी दूसरे शॉप में जाके करा रहा है वो वहाँ सेटिस्फाई हो जाता तो फिर हमारा कस्टमर भी टूट जाता और हमें अंदर से गिल्टी भी फील होती है। वो तो सर हर किसी को होता है, मतलब जितने भी व्यूअर देख रहे हैं ना। समय के साथ आगे अपडेट होने के लिए हमने ये सर देखा, आपका वीडियो देखा, क्लास भी देखी, काफी दिन से फॉलो भी कर रहे थे, तो हमने सोचा समय के साथ अगर अपडेट हो जाएंगे तो मार्केट में बैकअप फिर से ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो ग्राहक हमारे टूटेंगे ना उन्हें टूटने नहीं देंगे। जी जी, और जो हमारा कस्टमर बना हुआ है वो रेगुलर हमारा ही बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऐसा है कि कोई फोन आया होगा आपके पास बनने के लिए और वो आपसे बना नहीं होगा और वो चला गया कहीं और। सर एक्चुअली हम पहले आईसी लेवल का कोई भी वर्क नहीं करते थे, मतलब पावर, सीपीयू और ये वीपीएच पावर क्या शॉर्ट है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कस्टमर तो आते होंगे ना दुकान पे। अच्छा, कस्टमर चाहे तो वो किसी भी तरीका का फोन लेके आ सकता है, चाहे अंदर कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। और जब तक तुम उसे बनाओगे नहीं तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा और उस कस्टमर का यार वो फलाना दुकानदार तो उस पे आता ही नहीं है कुछ, यही बोलते हैं। साउंड की प्रॉब्लम आ रही किसी कस्टमर के पास, नॉर्मल कस्टमर या दुकानदार क्या करेगा, माइक स्पीकर रिंगर यही काम करता है, उस फॉल्ट को रिंगर आईसी तक पहुंच पाएगा या उसको यही नहीं मालूम है कि रिंगर आईसी और ऑडियो आईसी में डिफरेंट क्या है। जब वो रिंगर आईसी तक पहुंच जाएगा इसके बाद हमको जानना है कोडेक आईसी और ये जो ऑडियो आईसी होती है, मेन प्रॉब्लम वहां से होती है, जब उसको वही नॉलेज नहीं तो फाउंड आउट कैसे कर पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चीज है सर। इस चीज को अपडेट होने के लिए हमने सोचा कि घर से निकलना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी हम लोग अपडेट हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये काम आज करें या 10 साल बाद करें समस्या फिर वही खड़ी हो रही थी। तो 10 साल बाद करोगे या 2 साल बाद करो नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। बिल्कुल, वो तो वर्जन अपडेट होता चला जाएगा। बिल्कुल, और आप बल्कि और कितने माइनस में चले जाओगे एक तरीका से। तो भाई देखो ये भाई हैं और कानपुर से, इन्होंने बताया ना आपको कि अपग्रेड होना जरूरी है। बहुत जरूरी सर। अपग्रेड का मतलब यही नहीं कि भैया जाओ और बस ऐसे, मतलब समझना है उस चीज को कि कैसे काम करना है उस चीज को। और भाई ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती है ना, ये आजकल वैसा आइटम नहीं रह गया कि किसी से वहां से देख लो, किसी ने बता दिया ऐसे कर लिया, ये तो प्रॉपर सीखना और समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा और उसमें आपको फोकस भी करना पड़ेगा अगर आपको इस काम को अच्छे से करना है। टाइम देना पड़ेगा। जी, टाइम देना पड़ेगा। आईसी रिबॉलिंग के लिए तो सब कुछ बता देते लेकिन किस टेक्निक से, किस टेम्परेचर में, किस तरह से काम करना ये कोई नहीं बताता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये देख लो भाई, आपको अपग्रेड होना और सीखना। जी, और जी। एक छोटी सी चीज बताओ कि यहाँ का जो आपका 10 दिन निकला तो कैसा लगा, मतलब अच्छा लगा? फोन फिक्स को अच्छा क्या लगा? सब चीज अच्छी लगी, पढ़ाने का तरीका और सर की जो टेक्निक है और सर का जो बिहेवियर है कस्टमर से, मतलब हम लोगों से बात करने का, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही अब एक बार 10 बार कितने भी बार पूछ सकते, कोई बाउंडेशन नहीं सर। अगर फोन फिक्स को अगर बोले कि 10 में से कितने स्टार देना चाहोगे? हमारी तरफ से 10 में 10 ही स्टार पूरे मिलेंगे। 10 में से 10 स्टार। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर, बैठो।